दोस्तों आप यदि कोई लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं और उसमें विंडो 10 यूज करते हैं, जो कि मोस्टली आजकल के लैपटॉप में प्री इंस्टॉल्ड ही आ रही है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, मान लीजिए आपका सिस्टम जो है वो इन्फेक्टेड हो गया है वायरस से, या कोई फाइल करप्ट हो गई है, या फिर आप अपना पुराना सिस्टम किसी को सेल करना चाहते हैं, तो उसको पहले जैसा नया कैसे बनाए, या मान लो आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो गया तो उसको फास्ट कैसे बनाए, इसके लिए आपको अपने सिस्टम को फैक्ट्री रीसेट करना पड़ता है। आज मैं सारी सेटिंग्स आपको लाइव बताऊंगा कि कैसे लैपटॉप या पीसी को अगर विंडो 10 यूज करें तो रीसेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक बेट ओनली टेक। तो दोस्तों लैपटॉप को फैक्ट्री रीसेट करने के हम आज आपको दो तरीके बताएंगे। देखिए ये है लैपटॉप, अब मान लो मुझे इसे सेल आउट करना है और इसमें जो भी कुछ सेटिंग है मैं उसको रिमूव करके बिल्कुल नए जैसा बनाना चाहता हूं। तो सबसे पहला तरीका तो ये कि स्टार्ट बटन पर आप क्लिक करें और यहां पर देखिए जो ये शट डाउन करते हैं इस पर आप क्लिक करें। यहां पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, स्लीप, शट डाउन, रीसेट, तो सॉरी रिस्टार्ट। अब रिस्टार्ट करना कैसे, पहले हमको शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट की को दबाकर हम रिस्टार्ट कर देंगे। और इसके बाद देखिए जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर इस तरह का इंटरफेस आता है और यहां पर एक ऑप्शन है ट्रबल शूट, इस पर क्लिक करेंगे और ट्रबल शूट पर जब क्लिक करेंगे तो यहां पर आएगा रिसेट दिस पीसी, तो इस पर हम यहां पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है दो ऑप्शन, कीप माई फाइल्स, रिमूव एवरीथिंग। अगर मान लीजिए ऊपर वाले ऑप्शन को आप क्लिक करते हैं तो आपकी एप्स और सेटिंग रिमूव हो जाएगी लेकिन आपकी पर्सनल फाइल एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो आप यहां पे दो चीजों को और ध्यान रखें, अपना पूरा बैकअप ले ले पहले, इसके अलावा जो लैपटॉप है उसको आप जो है चार्जिंग में लगा के रखें, ताकि क्योंकि बहुत टाइम भी लेता है, कई आवर्स भी ले लेता है, तो आपका चार्जर बराबर काम करेगा तो ये लैपटॉप में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दूसरा जो ऑप्शन है वो है रिमूव एवरीथिंग। एक चीज और बताता हूं, कीप माय फाइल्स वाला जो ऑप्शन है इसमें बहुत कम टाइम लेता है और रिमूव एवरीथिंग में कई घंटों भी ले सकता है। अब मान लीजिए किसी को हमको देना ही है तो भाई बिल्कुल क्लीन करके देंगे, तो रिमूव एवरीथिंग पे हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों कुछ समय के लिए ब्लैक स्क्रीन आता है और उसके बाद वापस से जो है लैपटॉप पे एक स्क्रीन आ जाएगी, अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर स्क्रीन आ गई है और लिखा है रीसेट दिस पीसी गेटिंग थिंग्स रेडी, लेकिन अभी इसको पूरी कमांड नहीं मिली है, अभी एक और स्क्रीन आएगी। तो यहां पर आया रीसेट दिस पीसी, अब देखिए यहां पर यस और नो वो पूछ रहा है, तो यहां पर है डू यू वांट टू कीप दिस पीसी सेटअप फॉर योर वर्क पैलेस, तो आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो, नो करना चाहते हो तो नो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लो मैं यस कर देता हूं तो इसमें देखो दो चीज आती है, जस्ट रिमूव माई फाइल्स और फुली क्लीन द ड्राइव। तो अगर आपको किसी को देना है तो आप फुल्ली क्लीन कर दीजिए और सिर्फ आपको फाइल वगैरह है, मान लो आपको लगता है कि कोई इन जो है कि मेरी जो फाइल है वो कोई इन्फेक्टेड है, तो आप सिर्फ और सिर्फ जस्ट रिमूव फाइल पे क्लिक कीजिए, लेकिन मुझे फुली क्लीन करना है तो मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं फुली क्लीन द ड्राइव। तो अभी इसको एक कमांड देना और बाकी है, वो भी बताता हूं। तो दोस्तों उसके बाद आता है यहां पर, देखिए देखिए सब कुछ लिखा आ गया यहां पर। अब अगर मैं रिसेट पे क्लिक कर दूंगा तो यहां पर रीसेट ये लैपटॉप होने लग जाएगा, जिसमें कई घंटे लग सकते हैं, इसलिए आपको चार्जर जो है लगा के रखना है। अभी मैं इसको कैंसिल करता हूं और दूसरा तरीका आपको बताता हूं। दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे और सीधा हम सेटिंग में चले जाएंगे। सेटिंग पर जैसे ही हम जाएंगे तो यहां पर आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां पर जो इंटरफेस ओपन होगा, यहां पे आप साइड में देखिए रिकवरी का ऑप्शन है, तो आप रिकवरी पे क्लिक कर दीजिए और यहां पे ऊपर आ रहा है रिसेट दिस पीसी, तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए वही ऑप्शन यहां पे आ जाते हैं, कीप माय फाइल्स, रिमूव एवरीथिंग। तो जैसा मैंने पहले तरीके में बताया था, आगे का प्रोसेस सेम यहां पर चलने वाला है। तो दोस्तों आई होप आप लैपटॉप को रीसेट करना सीख गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह के यूजफुल कंटेंट मैं बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।